मऊगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चंदेह गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आरोपियों ने मिलकर फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी की लोहे की रॉड और डंडे से पीटकर निशंस हत्या कर दी। घटना दरमियानी रात की बताई जा रही है। परिजनों के कथनानुसार जब फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी ऑफिस से काम निपटाकर रात्रि लगभग 10 बजे अपने गृह ग्राम बिछरहटा जा रहा था, इसी दौरान जब वह चंदेह गांव के समीप पहुंचा तो घात लगाकर बैठे 4 की संख्या में मौजूद आरोपियों ने फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी का रास्ता रोकते हुए पैसे की मांग करने लगे। कर्मचारी के द्वारा पैसा ना देने पर आरोपियों ने उस पर लोहे की रॉड और डंडे से हमला कर दिया और बड़ी निर्ममता से हत्या कर दी। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घटना स्थल पर पड़े सबको देखकर स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सब की शिनाख्ती करते हुए सबको पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मऊगंज भिजवा दिया। आज दोपहर SDOP मऊगंज के कुशल मार्गदर्शन व नेतृत्व में थाना प्रभारी श्वेता मौर्य ने अपने हमराह स्टाफ के साथ मुख्य आरोपी साहिल शुक्ला व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। कल देर रात नीलेश सिंह उर्फ नीलू, पिता लाल बिहारी सिंह, उम्र लगभग 35 वर्ष, जो कि SK फाइनेंस कंपनी मऊगंज में कार्य करते थे, अपने काम के पश्चात को अपने घर की ओर जा रहे थे। उसी दौरान में हाईवे पे साहिल शुक्ला और उनके साथी पिंटू शुक्ला एवं 2 अन्य साथियों के साथ में वहाँ पे उनको रोका गया और उनसे शराब पीने के नाम पे पैसे मांगे गए और उसके द्वारा मना करने पे उससे वाद विवाद किया गया। वाद विवाद के दौरान में फिर वो उसे मारना चालू किया गया, वो उस गाड़ी से गिर गया और उसे तब तक मारते रहे जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो गई। और जैसे ही थाने को सूचना मिली उसके बाद में उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और उसके बाद में जो आवेदनकर्ता हैं उनके आवेदन पर से अपराध क्रमांक 495/22, धारा 302, 341, 327, 506, 294, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम विवेचना की जा रही है। मारने में प्रयुक्त हथियार क्या? मुख्य रूप से उसमें जो साहिल शुक्ला है उसके पास में कड़ा था जो कि हाथ में पहनता था, उससे उसके द्वारा लगातार सिर पे चोट की गई है और इसे धक्का देके गाड़ी से गिरा दिया गया था, तो उससे भी उसके सिर पे थोड़ा सा चोट आई थी गिरने से और कड़े से मारा गया है, अन्य कोई हथियार यूज़ नहीं किया गया। आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया? अभी 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।